कृष्णा जयंतु लेट अस डू रघुपति राघव राजा राम क्योंकि हमारे देश के ये सिंबल है ये इष्ट देव है हमारे ही इज़ अ सिंबल और पूरे विश्व में आज जो भारत की पहले से पहले भी थी लेकिन आज जिस ऊंचाई पे अपनी मान्यता हो रही है हिंदुस्तान की तो उसके लिए ये एक्ट होगा कि हम रघुपति राघव राजा राम बिकॉज दिस इज व्हाट गांधी जी ने भी राजा राम प्रभु रामचंद्र जी का जिक्र किया था दिस वाज हिज फेवरेट भजन फिर जितने भी हमारे संत हैं नो मैटर विच सेक्ट दे बिलोंग टू दैट इज रहीम जी हैं या कबीरदास जी हैं गुरु नानक जी हैं तो हरेक के जो उन्होंने रचनाएं की हरेक में राम ही है और बेसिकली राम इज नॉट ओनली द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल इट्स नॉट ओनली ऐसा नहीं है कि खाली प्रभु रामचंद्र जी का नाम राम था हम कहते हैं कि भाई बहुत आनंद आया जब ये हुआ तो हमारे जीवन में राम आया या हमारे जीवन में राम नहीं है तो इट इज बेसिकली दैट पीस एंड दैट फुलफिलमेंट तो राम सिग्निफाइज दैट एंड ये मेरी दिली तमन्ना है मेरी प्रभु से प्रार्थना है एंड गॉड नोज कि फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स आई हैव बीन प्रेइंग फॉर दिस उस क्षण के लिए जब हमारा राम मंदिर बन जाए और यस इट इज़ वेरी वेरी स्पेशल इट्स वेरी डियर टू माय हार्ट क्योंकि राम जी मेरे इष्ट हैं तो मेरी बहुत तमन्ना है कि राम भगवान राम का ये मंदिर बन जाए और let's see what 18th November has in store because उन्होंने करवा लिया ये गाना हमने नहीं किया है जिस तेजी से हुआ otherwise मतलब छोटी छोटी चीजों से वक्त लग जाता है लेकिन it's almost like it was waiting to happen कि जिस जल्दी जल्दी सभी की dates मिले सभी जल्दी जल्दी में shooting हुआ गाने record हुए and mixing हुआ और दो दिन पहले शूटिंग होके आज हम देख सकते हैं जैसे ये छोटी बात नहीं है एंड थैंक यू वेरी मच बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू बिकॉज आपने कहीं पर भी ओरिजिनल जो ये धुन है या इसकी लिरिक्स है इसकी भावना जो है रघुपति राघव राजा का तो इससे कहीं खिलवाड़ नहीं करते हुए उसकी सैंक्टिटी रखते हुए उसे वो टच मॉडर्न दिया है जिससे सुकून ऐड ही होता है यू नो दैट इज वेरी रेयर एंड लोग बहुत पूछते हैं कि गाने रिमिक्स होते हैं रिक्रिएट होते हैं सो रिक्रिएट तभी करना चाहिए अगर इफ यू कैन कंट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट है ना अदरवाइज उससे खिलवाड़ है सो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि इतना सुंदर आपने किया है एंड ऑफकोर्स ऑन द एंटायर टीम एंड द डायरेक्टर Hi guys, I would like to welcome all of you all. Thank you so much for being here. Thank you so much, Anuradha ji. And thank you so much the entire cast, Shezwood sir, because he created the music and honestly speaking, the music is really beautifully created and crafted. Anuradha ji did justice to the song. The song was sung so well. And I would definitely, really like to thank Aziz ji because his direction was superb. And our Ram ji, the star, he acted amazing. And the entire cast, Shanti ji, Hansa ji, Rajesh ji and Rakesh ji.
जी, और इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग है और आप इतने अमेजिंग लग रहे हैं इसमें. कैसे मतलब यू नो इट केम सो नेचुरली टू यू टू बी अ राम. सी सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि ऐसे दिन पे जब गांधी जी का 150वां जन्मदिन है और मुझे मौका मिला ऐसे इंसान के साथ में काम करने का जो कि जिनको मैं बचपन से एडमायर कर रहा हूँ, अनुराधा जी, उनकी गायकी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. हम सब बहुत बड़े फ़ैन हैं बचपन से अब तक की. मुझे लगता है कि स्कूल की, कॉलेज की, हर गली नुक्कड़ और वो चांदनी रातें हों चाहे बहता हुआ पानी हो, हर समय की यादें हैं. उनके गाने जो है आज भी हम सुनते हैं तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं. फिर सेजवुड जो है वो उनका म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है, वो मैं उनका फ़ैन रहा हूँ. और उस पर सोनी पे सुहागा हो गया कि इस शो के जो डायरेक्टर है, मतलब इस एल्बम के जो डायरेक्टर है वो है अजीज़ जी, जिनके साथ में मैंने अपनी लाइफ की पहली फिल्म की थी. तो यू नो इट्स लाइक बहुत सारी चीज़ें एक जगह पर इकट्ठी हुई और 150वें जन्मदिन पर मैं श्री राम जो प्ले कर रहा हूँ उसमें भी एक बड़ी खास बात है कि मेरा नाम शिवेंद्र है लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ और उस दिन जब मैं शूट कर रहा था तो हर कोई मुझे कह रहा था अरे राम जी को बुलाइए, राम जी को बुलाइए. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब काम आपका नाम बन जाता है तो वो उसे अच्छी तारीफ और क्या हो सकती है. तो या इट्स अ गुड एक्सपीरियंस. जब आप शूट कर रहे थे वहाँ पे यू नो पूरा जो अवतार है आपका, जैसे आप सब राम जी बुला रहे थे, व्हाट आर यू फीलिंग? एक्चुअली क्या है वो, जैसे ये आइडिया था एक्चुअली शेजवुड का. पहले हम नॉर्मल जैसे जो ये स्किन टोन है उसी के साथ में कैरी ऑन करने वाले थे, शूट करने वाले थे. पर शेजवुड ने कहा कि नहीं, हम अटायर जो है पूरा ब्लू रखते हैं क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग लगेगा. तो सबने कहा हाँ बहुत बढ़िया है. और फिर जब मैं वापस जब अपने आप पे वो पेंट अप्लाई कर रहा था तो करते करते मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये शायद कुछ यादगार होने वाला है क्योंकि आज तक हमने कृष्ण को नीले कलर में देखा है और इवन हमने शिव जी का कंठ जो है वो नीले कलर में देखा है या हमने जेम्स कैमरॉन की अवतार जो थी वो फिल्म देखी थी. तो उस अटायर में आने के बाद में मुझे लगा कि ये बहुत ही अलग हम कुछ करने वाले हैं जिसने पूरे लुक को ही चेंज कर दिया. तो बहुत अच्छा रहा. कुछ कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट जो आप कहना चाहेंगे शूट के समय मैं सच कहूँ तो मुझे सबसे बढ़िया एहसास तो तब हुआ जब मैं अनुराधा जी से मिला क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ. फिर उसके बाद में जब मैं पहली बार सेट पे पहुंचा तो यू नो थोड़ा अलग है सोचना अपने आप को ऐसे गेटअप में देखना. यू नो मैं पहले इससे पहले भी कुछ एक ऐसे अटायर प्ले कर चुका हूँ, परशुराम, बुद्धा, महर्षि दयानंद सरस्वती, पर श्री राम मुझे प्ले करने का मौका पहली बार मिला और ब्लू कलर में जब मैं लोगों के सामने आया तो यू नो इट्स लाइक सफ़ेद कलर जगह पे कुछ एक अलग ही कलर खिल के सामने आ गया. तो काफ़ी लोग थे वहाँ पे सेट पे तो हर कोई आके जब एडमायर कर रहा है, फोटो खिंचा रहा है तो यू नो इट फील्स गुड कि कुछ अच्छा है. मुझे लगता है कि ये हमारी जो सोच है अगर हम थोड़ा और एलैबोरेट कर लें इसे कि गागर में अगर सागर भर देना जिसे कहते हैं कि नाम बहुत सारे हैं, रूप बहुत सारे हैं पर उनका असर, उनकी तासीर, उनका जो रख रखाव है, जो आशीर्वाद है, मुझे लगता है सबका एक ही है. तो चाहे वो निरंकार कह लो, चाहे वो कोई आकार कह लो, कोई नीला है, कोई कोई बांसुरी लिए हुए है, किसी के पास में बाण है, किसी के पास में शंख है, लेकिन मैं सोचता हूँ वो है सब एक ही. तो अगर सबको मिला के कुछ अलग अलग डिफरेंट रूप में भी हम सोचें या लोगों तक लेके आए तो उसमें कुछ बुरा नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं वो श्रद्धा भाव है और श्रद्धा भाव जब श्रद्धा से किया जाए तो उसमें कोई गलती नहीं होती. जैसे शबरी ने श्री रामचंद्र जी को अपने झूठे बेर खिलाए तो एक श्री राम भगवान जिन्हें हम कहते हैं उनको अगर झूठा अगर कोई खिला रहा है तो शायद वो थोड़ा सा ऑड है लेकिन क्योंकि उसमें प्यार है, उसमें प्योरिटी, सच्चाई है तो उसमें कुछ बुरा नहीं है. बड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा
किरदार था, जो एक शिल्पकार हैं जो मूर्तियां बनाते हैं, उन पे पेंट करते हैं, और कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा सा है, बड़ा मिक्स है ऑफ राम जी एंड गांधी जी एंड टुडेज टाइम्स एंड एवरीथिंग। और वहाँ पर गाना सुनते सुनते अनुराधा जी आती हैं, और मेरी उन मूर्तियों में एक राम जी की बड़ी खूबसूरत सी मूर्ति है, वो उन्हें देखते हुए स्तब्ध हो जाती हैं और देखते हुए उनकी तरफ बढ़ती हैं, और वो राम जी की मूर्ति उठा के आगे चली जाती है। तो मैं अपने काम में बिजी हूँ, देखना पड़ा, अच्छा सा मोमेंट था, अच्छा था। तो बट आई लाइक दिस कॉन्सेप्ट, आई लाइक दिस। वो बोलते हैं जब जो चीज़ें होनी होती हैं वो अपने आप हो जाती हैं, और जो नहीं होनी होती हैं आप लाख कोशिशें करें उसमें कुछ ना कुछ विघ्न आते हैं। तो हमने ये देखा, ये चीज़, ये सॉन्ग रिकॉर्ड हमारे सामने हुआ था, कुछ कर रहे थे हमारे कुछ दोस्त, हमारे शेजवुड भाई आशीष जी रिकॉर्ड कर रहे थे अनुराधा जी के साथ सॉन्ग, उसके बाद वो शूट की प्लानिंग कर रहे थे, और बातों बातों में ऐसे बात बनी कि हम भी वहाँ पहुँच गए, सब लोगों ने अपना अपना योगदान दिया, और दो दिन पहले, दो तीन दिन पहले आई थिंक वी शॉट, एंड एंड टुडे नाउ इट्स राइट हियर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। जो चीज़ें होनी होती हैं वो रास्ते अपने आप बन जाते हैं, वो इट्स सो ब्यूटीफुल, है कि नहीं? तो मैं हमेशा मानता हूँ टू गो विद नेचर, टू फ्लो विद द टाइड। आप नेचर के अगेंस्ट मत जाइए कभी भी, क्योंकि जो होता है नेचुरली वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो उस लिहाज से आई थिंक ये बड़ा अच्छा सा एक नहर में है, नहर चल रही अपना रास्ता बनाते हुए, हम भी अ पार्ट ऑफ नहर हो गए। तो और गांधी जी, हमारे सबके प्रिय गांधी जी, जो हम सबको बहुत प्रिय हैं, जो सबने बताया उसकी वजह से भी, और जो हमारी पॉकेट में उनकी फोटोग्राफ होती है, हम सभी चाहते हैं कि वो हमेशा हमारे पास रहें, हमारे दिल में, हमारे जेबों में, हमारे बैंकों में, हमारी तिजोरियों में। तो गांधी जी का आशीर्वाद हम सबके साथ रहना चाहिए। तो आप लोग क्या कर रहे हो गांधी जी के? मैं तो वीडियो किया, आप लोग भी करो कुछ, उनका भी सही बात, देखो उन पे भी हम एक बनाएंगे बहुत अच्छा सा ऐसा ही वीडियो, अभी बैठते हैं हम लोग और करेंगे हम लोग। And today is 2nd October when the song is released. Yeah, I would like to first of all take this opportunity to thank Apeksha Musics, the producers and the director, and especially Paral for giving me this opportunity to come back again in my second innings for the song after 5 years, and they've given me a lovely character, Kasturba, and really thank you. And especially the song is released on today being Gandhi's 150th year, feeling very nice and very smoothing. The song is beautifully sung by Anuradha ji and music by Sheshudin, and yeah, I would like to thank the whole team for giving me this opportunity to come back again. Thank you. Okay, thank you. Beautifully directed. So how did this whole well, firstly, I just want to thank everybody that I was part of this project. It's something very new for me, something which I'd never done before. And everything fell into place. All the actors, the song, the singers, everything just fell into place. And I think it was meant to happen. That's why, and it happened in a very short time. और जब जब आइडियाज आ रहे थे, सब ब्रेन स्टॉमिंग कर रहे थे, वी ऑल वर सिटिंग डाउन एंड डिसाइडिंग व्हाट टू डू, बिकॉज द सॉन्ग वाज सो बिग एंड एपिक, वी नीडेड टू हैव अ वीडियो दैट वुड मैच अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ द सॉन्ग, एंड देन वी वर कमिंग अप विद आइडियाज, एंड फिर सो व्हेन रामजीज कैरेक्टर केम आउट बिकॉज ऑफ द सॉन्ग, इट वॉज अबाउट रामजी, सो वी थॉट वी नीड अ पर्सन, एंड आई न्यू शिवेंद्र सैन्योल, हु I knew it would suit this part, and then I think it was Shezu's idea that they said that let's make him blue instead of normal this thing, because it would stand out in the video, and it did actually, and yeah, everything came out perfect, and I think we all are very very happy to see that everybody has liked this, and it's a great honor just to be part of it. Thank you. इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है सिवाय इसके कि इससे बड़ा आशीर्वाद मुझे नहीं मिल सकता।
कि मैं शबरी का रोल कर रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कोई मुझे शबरी का रोल देगा. बारून ने कैसे सोचा आई डोंट नो दैट, क्यों सोचा वो भी नहीं पता, क्योंकि जो मेरी इमेज है बाहर लोगों के सामने वो अक्सर इसके बहुत विपरीत है, और हंटर फिल्म के बाद तो बिल्कुल ही विपरीत हो चुकी है. तो अगर हंटर की सविता को शबरी किसने बनाया तो थैंक यू बारून सो मच. और पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मैं पूजा पाठ स्पिरिचुअल थोड़ी हूँ और मैं रामायण पढ़ती हूँ. तो रामायण पढ़ने के बाद अगर मैं सोचूं कि प्रभु श्री राम मेरे साथ हैं, तो दिस इज अ मैसेज, अ साइन प्रभु श्री राम की तरफ से कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और शबरी का रोल मुझे करने को मिला. आप लोगों ने देखा, अगर आप लोगों को पसंद आया है तो मैंने शायद ठीक काम किया होगा, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि मुझे ये रोल करने को मिला. एंड बस आपके कुछ थैंक यू सो मच. इतना अच्छा एमेलिमेशन किया है और रीविजिट और रिक्रिएट किया है सॉन्ग को, तो क्या कहना चाहेंगे, अपेक्षा आपसे जानना चाहेंगे. ये तो बहुत ही ऑस्पिशियस इवेंट है हमारे लिए, क्योंकि 150th बर्थडे था गांधी जी का आज, एंड उस पर हमने इतना बढ़िया गाना रीमेक करके शूट किया है. एंड ये जो गाना जो हमने शूट किया है, ये गाना और बेहतर हुआ है. तो अगर आप अभी सुनेंगे तो इसको आप, ये आपका भी दिल छू लेगा. आई थिंक आप लोगों ने अंदर सुन लिया था ये गाना. तो हमारा पूरा मोटिव था कि हम ऐसा गाना बनाएं जो हमारे आज के जो यूथ हैं, जो यंग जनरेशन है, उनके दिलों को भी छुए. तो ये गाना एक फ्यूजन था, इसका म्यूजिक भी फ्यूजन है, जो बहुत ही ब्यूटीफुली अनुराधा जी ने गाना गाया है. एंड जो म्यूजिक था वो हमारे को डीजे शेजवुड जी ने दिया है, एंड वीडियो भी है वो भी बहुत ही बढ़िया फ्यूजन से हमने बनाया था. अगर आप देखेंगे उनमें जो राम जी का किरदार निभाया है शिवेंद्र जी ने, उन्होंने बहुत ही अच्छे से ये रोल किया था. और बाकी की भी जो कास्ट है, जैसे राकेश जी, राजेश जी, जिन्होंने गांधी जी का रोल प्ले किया था, तो उन्होंने भी काफ़ी बढ़िया एक्टिंग की है. तो हमारा मेन मोटिव था कि ये जो हमने वीडियो बनाया है, गाना बनाया है, ये यूथ के दिल को भी छुए, एंड सबके दिल को छुए, मतलब फॉर ऑल एज ग्रुप. सो या दैट वाज द मेन मोटिव. अजय जी क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक शी सेड एवरीथिंग. शी सेड एवरीथिंग. जी थैंक यू. ओके थैंक यू. पर्सपेक्टिव देयर टू आज आपने सॉन्ग लिखा. बहुत दिन से ऐसा एक भजन और एक गाना नहीं आया था, एंड थैंक्स टू अपेक्षा फिल्म्स एंड पारुल फॉर हर एफर्ट्स दैट कुड गेट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स टुगेदर एंड मेक दिस वीडियो डन एंड द म्यूजिक डन. ये मैंने सुना कि 2-3 दिन में तैयार हुआ है, इतना अच्छा बना है ये कि द म्यूजिक इज सूदिंग, इट्स नाइस, भजन लग रहा है, गाना लग रहा है, रिंगटोन में दिखेगा, बहुत जल्दी आ जाएगा सबके फोन्स में. एंड द ओकेजन इज नवरात्रि में एंड 2 अक्टूबर विच इज़ गांधी जयंती एंड लाल बहादुर शास्त्री के जयंती पे ही है. एंड इट्स अ वेरी गुड थीम, गुड थिंग, एंड मैंने सारे दोस्तों को उसमें देखा है, ऑल द बेस्ट, और ये बहुत अच्छा है. आई एम फीलिंग वेरी गुड बिकॉज जैसे हंसा है जो कि शब्बू से शबरी भी बन गई है, एंड दिस फ्रेंड ऑफ माइंड राकेश हू इज़ अ पेंटर इन दैट वीडियो, एंड Khera is Gandhi, Shanti is Kasturba. I'm feeling really good. काश मेरे लिए भी कुछ उसमें होता तो मैं भी बन जाता मंदोदरी या कुछ भी उसमें, but it is really good and top of everything. Anuradha ji, the voice, बचपन से सुनते आ रहे हैं, it's really soothing. और जैसे आँख बंद करके आप ये गाने को सुनोगे, भजन को सुनोगे, you will actually be at peace. So it is lovely, it's going to do very well. लोगों को बहुत जैसे अपेक्षाएं होती हैं, उम्मीदें होती है कि कॉमनर्स होंगे तो बहुत सारे लोग ट्राई करेंगे, शायद किसी का किस्मत बदल जाए, जैसे मैं आज आप लोगों के सामने हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ बिग बॉस में भी. और बहुत लोगों की ये ड्रीम होती है, एंड आई थिंक 12 का बिग बॉस सीजन 12 का TRP इतना अच्छा नहीं आया था, इसलिए दे हैव चेंज्ड इट एंड मेड इट इनटू ओनली सेलिब्रिटी शो. सो देखते हैं टेढ़ा है. इस साल का बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हैं आप और क्या आगे? जब भी वक्त मिलता है देख लेता हूँ, या फिर वूट पे देख लेता हूँ, या फिर अगर कोई लिंक्स आ जाए इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं, तो आई कीप ऑन वॉचिंग इट. बहुत ज़्यादा मसालेदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुझे थोड़ा दिखाई दे रहा है. आज कुछ प्रोमो आया था अबाउट शाउटिंग एंड
कुछ पेनफुल बोलना किसी को, आप लोगों ने सबने देखा है कि शायद मैं ज़्यादा टिका नहीं बिग बॉस 11 में, बिकॉज मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा था, चिल्ला नहीं रहा था कुछ भी, और ये सेकेंड या थर्ड डे है जहाँ पे चिल्लम चिल्ली एंड हर्टिंग योर पर्सनल लाइफ, पता नहीं ये गेम है या कुछ, लेट्स सी। कोई फेवरेट बना जी? ये गेम ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी आप किसी को हर्ट करके आगे बढ़ोगे आपको कोई और हर्ट करेगा, मे बी ये फॉर्मूला है बिग बॉस का, बट उसके बिना भी गेम खेली जाती है, जीती जाती है। काफी कम समय हुआ है, लेकिन कोई फेवरेट बना है अभी तक आपका? सिद्धार्थ इज टेकिंग, सिद्धार्थ शुक्ला इज टेकिंग अ लॉट ऑफ पेन, सब उसे चाहते हैं क्योंकि यू नो वो किचन के काम में भी है, बेडरूम के काम में भी है, मैंने क्लिपिंग देखा है, सिद्धार्थ डी के साथ कुछ लड़ाई कर रहे थे अबाउट दाल या समथिंग, मेरे ऐसा कोई तो था नहीं वहाँ पे खाना बना बना के खिलाने के लिए, तो हाँ कमी पड़ रही है अभी राशन की वहाँ पे दिख रहा है, हमेशा जी वेंट देयर एंड वाज राशनिंग थिंग्स एंड ऑल स्टफ, सो देखते हैं आगे बहुत होगा, ये मसालेदार होगा, बट बिग बॉस 11 के टीआरपी को छूने वाला शायद ना। ओके, इस बार ट्विस्ट ये भी है कि फिनाले बहुत ही जल्दी होगा, इस तरीके का ट्विस्ट नजर आने वाला है, तो ये आपको एक्साइटिंग लग रहा है या फिर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग? सी एवरी टाइम द कॉन्सेप्ट्स आर डिफरेंट, दे ट्राई टू डू डिफरेंट थिंग्स, बट आई थिंक 4 हफ्ते में पता चल जाएगा कौन फर्स्ट रेस में आगे है या फिर शॉर्टलिस्टेड है, और वैसे होंगे, और शायद मुझे लग रहा है कि कुछ वाइल्ड कार्ड्स भी अच्छे आएंगे यहाँ पे, कुछ रिश्ते बनेंगे, कुछ टूटेंगे जिंदगी भर के लिए, और जैसे थोड़ा सा ग्लिम्स देखा है सिद्धार्थ एंड आरती का, तो वो शायद बन भी सकते हैं, अगेन यू नेवर नो बिकॉज एनीथिंग इज पॉसिबल इन बिग बॉस, सो या थैंक यू। सी टुडे वी आर कंक्लूडिंग द 150th ईयर ऑफ महात्मा गांधी जी, और ये शुरू जब हुआ था दैट डे आई हैड परफॉर्म्ड एट द साबरमती आश्रम, तो मेरी ये बहुत तमन्ना थी कि हम इसे 150 ईयर्स कम्प्लीशन को कमेमोरेट करने के लिए वी शुड डू समथिंग, तो मेरी आशीष जी से बात हुई कि यू नो वाई नॉट वी रिकॉर्ड रघुपति राघव राम बट इन अ न्यू साउंड, यू नो समथिंग दैट विल गो विद टुडेज ऑडियंसेस, एंड इसमें मोर देन ओनली भजन, इट शुड ऑल्सो टैकल द सोशल एंगल, तो ही इज डन इट ब्रिलियंटली एज आप सुनेंगे, एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू लाइक इट, एंड इट्स गोइंग टू कैच अप विद द यूथ एंड ऑल एजेस। नहीं बिल्कुल बनना ही चाहिए, यू नो इट्स लॉन्ग ओवर ड्यू, और मैं खुद मतलब उनकी भक्त हूँ, राम भगवान राम मेरे इष्ट है, सो ऑफ कोर्स आई एम ईगरली वेटिंग फॉर सो मेनी इयर्स नाउ कि ये मंदिर जल्दी से बन जाए। मैम लास्ट डेट दे दी गई है नवंबर की, तो कहीं ना कहीं उम्मीद अक्टूबर एंडिंग की, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जागी है इस चीज की कि हाँ अब बन जाएगा। वेल नाउ कॉल इट मतलब आप शायद मुझे यू नो सोचेंगे कि इस तरह से सोच रहे ज़्यादा भावुक होके, बट ऑलवेज समटाइम्स यू नो व्हेन देर इज सम पर्टिकुलर सॉन्ग उसमें बहुत सिग्निफिकेंस होता है, एंड दैट इट शुड कम इन सच अ वे जो मतलब ये बनता गया, एंड ये बनता गया मतलब राइट फ्रॉम द कंसेप्ट टू द एग्जीक्यूशन, एंड आज वो मतलब चैनल्स पे आ रहा है, तो ये इन 10 डेज फ्लैट ये होना, ये इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन ये जैसे बनता गया और जिसमें मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम महात्मा गांधी जी टू द नेशन एंड द फ्लैग एंड भगवान राम जी, इट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट आई फील, एंड आई एम श्योर टाइम विल टेल कि इट हैज़ अ बिग समथिंग, कोई बहुत बड़ी बात हो सकता है छुपी हो, टाइम विल टेल यू नो, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। यस जी, बहुत चैलेंजिंग इसलिए था कि जिस जो मेरा जोनर है साउंड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना,
आई वॉज डूइंग दैट. और ऑथेंटिक, चूँकि दीदी ने एक बात कही थी कि हमें उसकी ऑथेंटिसिटी को भी इंटैक्ट रखना है, तो दोनों चीज़ें उसमें, और भगवान श्री राम ने अपने आप ही कराया. इसमें मैं कह सकता हूँ मैंने बहुत एफर्ट्स नहीं डाले हैं, ये अपने आप ही होता चला गया. मतलब हम लोग रोज़ गाना बनाते हैं पर मिराकल कभी कभी बनते हैं. जैसे मैं अब भी याद करता हूँ, शिव आराधना वॉज मिराकल, मेरे पिया गए रंगून वॉज मिराकल. सो दैट इट हैपेंड और इतने अच्छे से हुआ कि आई एम फीलिंग गुड एंड ऑनर्ड. जब वो गाना बज रहा था और उसका रिस्पॉन्स, आई वॉज ऑल्सो गेटिंग गूज बम्प्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो बहुत अच्छा शूट हुआ है, बहुत ही. और जिनको भी गाना देख रहे हैं उन लोगों का बहुत अच्छा जो रिएक्शन आ रहा है वो बहुत प्रोत्साहित कर रहा है मैं अंदर से. जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बहुत थैंकफुल हैं अनुराधा जी, आप हमारे, आपने हमारी कंपनी के लिए आए हैं एंड आज इतना बड़े दिन में दीदी के साथ गाना रिलीज हुआ उनकी आवाज़ में, इससे शुभ दिन और क्या हो सकता है. थैंक यू.